मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी फटाके क्रैकर्स है उसी में वो लक्ष्मी बॉम्ब है भगवान के, वो बैन करना चाहिए। आदाब नाजरीन, एवन टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के महाबलेश्वर सर्कल के करीब, यानी चौरस्ते के करीब जो भंगी गुंटा रोड जाते हैं। आज दीपावली की खुशियों में आइए आप भी शामिल हो जाइए और देखें कि दीपावली की खुशियां यहां पर शहर रायचूर में किस तरह से मनाई जाती है। ये आपको नज़र आ रहा है पीछे का जो मंज़र, ये वाकई में रायचूर शहर में लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद ये एक ऐसा मंज़र नज़र आ रहा है, लोगों में एक दीपावली की खुशियां नज़र आ रही हैं। आइए यहां के कारोबारियों से भी हम बात करते हैं, आइए दीपावली की खुशियों में शामिल होते हैं। मेरे सामने यहां के ट्रैफिक पुलिस मास्टर भी मौजूद है, जनाब कृष्णा साहब का एवन टीवी में वेलकम है। इधर पब्लिक भी सपोर्ट दे रहा है, अच्छा तरीके से चल रहा ट्रैफिक। वन वे में थ्री व्हीलर नहीं छोड़ते, फोर व्हीलर नहीं छोड़ते, ओनली टू व्हीलर एक ही छोड़ रहे, पब्लिक भी तकलीफ नहीं, अच्छा चल रहा है। नहीं, लोगों को ज़्यादा पब्लिक को तकलीफ नहीं हो रही? नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। क्यों बोले तो ऑटो और ये हमें टाटा एसी बड़े हाई लोड गाड़ियाँ छोड़े तो तकलीफ होता था, वो बंद करे स्वास्थ्य सब टू व्हीलर वाले की सब साइड से जाना, उधर से वापस आना होता सब। और कैसा लग रहा साहब आपको लॉकडाउन के बाद, बहुत दिन के बाद फिर से खुशियां? बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन पब्लिक को और भी कोऑपरेट करना, और भी कोऑपरेट करना ठीक है। इसी तरह कारोबारियां मेरे बीच में है जो दूसरे गांव से ये देख रहे हैं, ये कई लोग केले लाते हैं यहाँ पर, खास तौर पर यहाँ पर पूजा के लिए पत्ते वगैरह इस्तेमाल होते हैं। या और अपन दो तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा यंग दो मुन्नूटा याबाई रेट ಈ ಸಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ? ಈ ಹಬ್ಬ ಮಾಮೂಲು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ದಸರಾ ಬೇಸಿತ್ತು, ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಸಿತ್ತು. ಮಾಮೂಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ? ಅದು ಹೋಗ್ವಲು 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 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ पब्लिक अगले सर। नाजरीन, इसी तरह से जो दीपावली की खुशियों में पूजा के लिए जो सामान ले जा रहे हैं मेरे सामने मौजूद है कई एक नाजरीन। एवन टीवी में आपका स्वागत है, कैसी है भैया साल दीपावली? है नॉर्मल है साल दीपावली, आपको भी जो दीपावली आप क्या है? पूजा के लिए ले जा रहे हैं? पूजा के लिए। अच्छा, ये किधर लगाते पूजा को ले जाके? भगवान के घर में, भगवान रहता ना। अच्छा, बाज लोग डोर को भी लगाते ना? डोर का नहीं, अंदर हम घर का घर में रखते हैं सर। ये कहीं का पत्ता है? मौस का। ये मौस का पत्ता, ये चंदल फूल है। अच्छा, खास तौर पर लोग मौस का पत्ता कहीं को लेते? वो पूजा के लिए श्रेष्ठ है वो। खैर, हमारी भी एवन टीवी की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं दीपावली की, फिर मिलेंगे। नाजरीन, इसी तरह से आइए कई एक लोगों को हम बात करते हैं दीपावली की खुशियों में। यहाँ पर कई एक कारोबारी आए हैं, ये देखिए, ये चंडुल के फूल, जिस तरह से मौस के पत्ते उसी तरह से चंडुल का फूल, और ये कद्दू को लोग ज़्यादा पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एवन टीवी में आपका वेलकम है, स्वागत है। वेलकम टू। आपका नाम? वीरेश। वीरेश, ये पापा क्या घुमर का बोलते हैं? घुमर का, ये पूजा के लिए? हाँ, पूजा के। मगर पूजा को तो बड़े बड़े कद्दू लगाते थे अक्सर, बड़ा रहते घर को लेके जाते ना, छोटा घर को वैसा। ये छोटे घर के लिए। अच्छा, ये चंडुल का फूल 50 रुपये डालते? 50 रुपये को किलो? किलो। देखिए नाजरीन, ज़्यादातर लोग चंडुल का फूल ही इस्तेमाल करते हैं। चंडुल का फूल कहीं को लेते हो ज़्यादा? पूज करने का, दीपावल का अच्छा रहता भगवान का। अच्छा, ये साल कारोबार कैसा है? अच्छा है सब। अच्छा है, अच्छा है सर। नहीं, लॉकडाउन के बाद आपको कैसा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही? अभी खुशी है पूरा पूरा। और हमारी भी आपसे दुआ है कि हर साल ना के दीपावली, रमज़ान, हर वो ईद लोग खुशियों से मनाएं। नाजरीन, दीपावली की खुशियों में कई एक लोग शामिल हैं, आइए बल्दिया दफ्तर से जो ताल्लुक़ रखते हैं सुनील कुमार से मैं एवन टीवी में इस्तकबाल करता हूँ। नमस्ते सभी जन, थोड़ा मास्क निकालो। पब्लिक को दीपावली शुभाशय है, और ये रेट तो बढ़ गया है, क्या भी खरीद नहीं सकते, फुल रेट बढ़ गया है। पेट्रोल का रेट कैसा बढ़ेगा? कैसा मिलता था पत्ता? पहले एक 10-20 रुपये में देते थे, अब 50-60 रुपये में ही बेच रहे। यानी महंगाई बढ़ गई है? फुल बढ़ गई। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हर कीमत बढ़ गई।
फिर भी दीपावली कैसी नजर आ रही है? हाँ, दीपावली तो नजर आ रही है रायचूर में, फिलहाल तो फुल पब्लिक है, नजर आ रही। थैंक यू। इसी तरह से दीपावली की खुशियों के लिए कई एक जायरीन सामान खरीदने के लिए आए हैं। मैं A1 TV में आपका वेलकम करता हूँ। नमस्कार नागराज। उर्दू चैनल इधे हिंदी दल्ली मातादिद्रे स्वल्प चलो इत्तु हिंदी नहीं बा हमारा को नाम हो नागराज। हमारा नागराज अच्छा है, दीपावली अच्छा है। यहाँ की खुशियाँ, लोगों में एक दूसरे से मिलना जुलना कैसा लग रहा है? दीपावली अच्छा है। अब्बा पब्लिक फुल फुल है। कोरोना होने के बाद ये जो खुशी नजर आ रही है वो अच्छा लग रही है आप लोगों को? दीपावली अच्छा है रायचूर में, सुपर अच्छा है। मेसर नमेसर मुरारी बिजन गेरा बिजन गेरा। इसी तरह से नाजरीन, जो जायरीन दीपावली की पूजा के लिए सामान खरीदने आ रहे हैं A1 TV में, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मण है सर। अच्छा, और क्या लेना है यहाँ? मैं यहाँ मतलब फ्रूट सब लेने के लिए आया हूँ। ये बार 2000 से मतलब लोग ज्यादा क्या खरीदते हैं? सब फूल ये सभी लेते सर, फ्रूट फूल पूजा का सामान, क्योंकि 2 साल से इतना हुआ नहीं तो ये बार सब लोग साल से वो दीपावली नहीं मनाए जो मनाते थे, मगर आज फिर से मना रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा? थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2 साल से त्यौहार नहीं मनाए थे, ये बार थोड़ा अच्छा मना रहे। अच्छा, आप कुछ पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? मतलब सब घर से निकलो और त्यौहार मनाओ, और जो भी है गवर्नमेंट का मिलजुल के सबके दुआ करो बस। धन्यवाद नाजरीन। आपको ये जो नजर आ रहे हैं फूल, ज्यादातर लोग पूजा के लिए यही फूल का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं अक्सर लोग चंडुल का फूल और ये जो पत्ता, जो मौस का पत्ता होता है ये, और ख़ासकर इस कद्दुओं को ज़्यादातर पूजा के लिए शुभ माना जाता है और यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये कैसा दिए सर? 60 रुपये। हाँ 60। हिंदी बर्ता था हिंदी सर सर माता नहीं मैं सर ना हनुमान था। आपका नाम? अमर का नाम हनुमान था। कौन सा गाँव आपका? बिजनगेरा। क्या बात है, बिजनगेरे वाले बहुत हैं यहाँ? बिजनगेरे वाले बहुत है। अच्छा, आपको दीपावली ये साल मनाने कैसा लगा? कारोबार तो अच्छे हैं। हाँ नाजरीन, इसी तरह से आपने देखा पूजा के कई एक सामान तो आपको नजर आए, इसी तरह से दीपावली की खुशियों में जब तक रोशनियाँ ना हो दीपावली अधूरी होती है। वो जगमगाहट रात का मंजर ही अलग होता है जब लोग दीप जलाते हैं और कई लोग अपने घरों पर लाइटिंग रोशनियां लगाते हैं। आइए, इसी एक इलेक्ट्रिक दुकान में मैं मौजूद हूं। इसी तरह से इस दुकान के जो ओनर है, मैं उनका A1 TV में स्वागत करता हूं। आपका नाम? अमित राज पुरोहित। अच्छा, ये साल कारोबार कैसा लगा? ये बार बहुत ही अच्छा है कारोबार, दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। अच्छा, ये लाइटिंग बहुत अच्छी तरह बिक रही है। ज़्यादातर क्या बिकता है आपके दुकान में? लाइटिंग दीपावली के लाइटिंग बहुत बिकती है ज़्यादातर। ये कितने में है? ये 220 रुपीज़ है, यानी 220 रुपीज़ में एक सेट मिलता है। अच्छा, और ये जो नए डिज़ाइन के स्टार आए हैं? स्टार स्लेट है, इसका है 450 रुपीज़। अच्छा, 2-3 साल से लोग तो कोरोना की वजह से दीपावली नहीं मनाए, आप जब मना रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तो पब्लिक को मैसेज देंगे दीपावली के लिए? हमारे को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये दीपावली, लास्ट टाइम तो हम मना नहीं पाए और अब बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, सब लोग खुशियों से दीपावली में, हैप्पी दीपावली। थैंक यू। नाजरीन, जैसा कि मैं कह रहा था आपके सामने, ख़ास तौर पर लोग चंडुल का फूल इस्तेमाल करते हैं। A1 TV में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका नाम? ओम सिंह। ओम सिंह, क्या बात है, लोग चंडुल का फूल ही बहुत लेते हैं? ये डाले तो भगवान को थोड़ा अच्छा दिखता नीटनेस से, और वो सस्ता भी है माल, और दूसरा लिए तो थोड़ा महंगा पड़ता है। कई एक लोगों का कहना था कि महंगाई ज़्यादा हो गई, हर चीज़ महंगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गई, चंडू फूला में तो बहुत रेट ज़्यादा हो गए। अच्छा, आपको ये दीपावली की खुशियाँ कैसा नज़र आ रही? अच्छा नज़र आते, थोड़ा एक बार 2 साल से लोग मनाए नहीं, मनाए नहीं, फटाके फोड़े हुए नहीं, एक बार थोड़ा चांस दिए से फोड़ने को। अच्छा, फोड़ देंगे, यानी 2 साल की कसर पूरी करने वाले? करने वाले। थैंक यू। इसी तरह से नाजरीन, दीपावली की जो खुशियाँ मना रहे हैं, कई लोग सामान खरीदते हैं और कई लोग खुशी में इधर से उधर फिरते हैं। मेरे सामने भी कई एक जायरीन मौजूद है। A1 TV में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, वेलकम। मैं वास्तव में, कैसा लग रहा है आपको ये साल की दीपावली? ये साल तो गए साल से भी अच्छा है, गए साल तो उतना नहीं हुआ था, ये साल तो अच्छा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी फटाके क्रैकर्स है उसी में वो लक्ष्मी बॉम है भगवान के, वो बैन करना चाहिए, फटाके यूज़ नहीं करना चाहिए।
नॉर्मली फटाके उड़ा सकते हैं क्योंकि उसमें भगवान का तस्वीर रहता है, तस्वीर से फटाके उठाते वो पाँव में आता है, भगवान को अपमान करे से होता है, इसीलिए उसके पर या तो बंद कराओ इसी तो या फिर तो करो। सुपर, बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। आपका नाम? मेरा नाम वास्तव, वास्तव पंडित। वाकई में वास्तव पंडित ने वास्तव की भी बात अक्सर लोग कहते थे, मगर आज इन्होंने पंडित होने के नाते ये बात ज़रूर हमारे लिए भी बहुत बेहतरीन है कि अक्सर लक्ष्मी जो पटाखे होते हैं उसके ऊपर लक्ष्मी जी की फ़ोटो होती है। इनका कहना यह है कि अगर आप ऐसे पटाखे उड़ाते रहे जिस पर भगवान की फ़ोटो होती है वो पैरों में गिर जाता है जब फटने के बाद। वाकई में मुझे इस बात से खुशी हुई। मैं भी एवन टीवी के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसे धूम धड़ा के जो लक्ष्मी बम वगैरह होते हैं ऐसी चीज़ों से गिरेज करिए। छोटे मोटे पटाखे, सुरसुर बत्तियाँ, लाइटिंग, जो भी छोटी चीज़ होती है उसे इस्तेमाल कीजिए। उसमें छोटे बच्चे को भी खतरा हो सकता है, छोटे घर के बाजू आज बच्चे रह सकते हैं, उनको भी तकलीफ हो सकती है। पटाखे से कुछ नहीं है, पटाखे उड़ा सकते हैं वैसे कुछ नहीं। क्यों बोला तो भगवान का अपमान करे से होता है, वही भगवान का हमें पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी जी की पूजा करते, वो लक्ष्मी बम उड़ाए तो उनका अपमान करे सर का होता, उनको ही जलाए सर का होता। उसीलिए मैं सोचता हूँ कि या तो बैन हो जाए या तो फटाके वो जो बेच रहे हैं। आखिर में रियली एक गुड मैसेज दिया आपको, सलूट है एवन टीवी की तरफ से। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि दीपावली में ख़ासतर लोग पूजा के औकात में जो मौस के पत्ते होते हैं उसके के साथ साथ कद्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये कद्दू देखिए, इस कद्दू को लोग बहुत ही पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कितने में दिए हुआ भाई? 80 एक बार 20 में जाते, 30 में जाते। ये 30 रुपए क्या? 30 रुपए में के 20 रुपए में लास्ट में रेट में। अच्छा, लास्ट टाइम से ज़्यादा महंगा है क्या? बराबर रेट है? महंगा नहीं है भाई, महंगा नहीं। बराबर है, बराबर बराबर। कैसा? अच्छा, आपका बिजनेस कैसा है? बिजनेस क्या, लॉस है भाई? लॉस है, लॉस है। कई को लॉस है जबकि पब्लिक फुल है? पब्लिक नहीं है भाई, ज़्यादा पब्लिक है, भेजने क्या भी नहीं ले रहा है इधर। मगर हम तो देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों से ये ट्रिप ज़्यादा पब्लिक है और आप बोल रहे हैं कारोबार नहीं है। नहीं भाई, वो तो पब्लिक का भी। नाजरीन, कई एक लोगों का ये भी कहना है कि जैसा पब्लिक होना चाहिए थे वैसे नहीं है, वैसी खरीदो फरोख्त नहीं है, बस लोग ऐसे ही अफरा तफरी के लिए, खुशी के लिए फिर रहे हैं। मगर कारोबारियों के लिए ये नुकसान भी बता रहे हैं, मगर बाज लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए और लोगों से पूछते हैं। ऐसे नाजरीन, दीपावली की खुशियों में कई एक चीज़ें शामिल है, ख़ासकर फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये मेरे सामने है चीकू की बंडी और ये भी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एवन टीवी में आपका इस्तेमाल है? हबीब नाम है। हबीब आपका नाम। अच्छा, दीपावली में लोग ज़्यादा फ्रूट क्या खरीदते हैं? सब लेते हैं, ज़्यादा करके मौज लेते हैं। मौज है, सपोटा है, 5-6 आइटम ज़्यादा लेते हैं। सब कैसा? डजन क्या किलो? नहीं, किलो का हिसाब। कैसा किलो है? 60 रुपये किलो। अभी महंगा है बोल के महंगा आ रहा है माल, तो महंगा ही। क्या लगता फ्रूट महंगा है या बराबर? मेरे हिसाब से सही है क्योंकि ये टाइम के हिसाब से सही है। कई लोगों का तो कहना है कि फ्रूट हो या कौन सा भी सामान हो बहुत महंगा है। नहीं, आज के ज़माने में तो अभी सब महंगाई बढ़ गए तो वो हिसाब से सब सही है। थैंक यू। इसी तरह से नाजरीन, ना के फ्रूट ना के कई एक सामान बावजूद उसके यहाँ पर लोग पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं। सिद्धि विनायक मार्केट जो भंगीकुंटा रोड पर जाती है, मैं उस दुकान में मौजूद हैं और यहाँ के दुकान के जो मालिक हैं उनका मैं वेलकम है आपका एवन टीवी में। अच्छा, कैसी है दीपावली इस साल? नहीं, ये मार थोड़ा ठंडा चल रहा मार्केट। मगर रोड के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये साल दीपावली बेहतरीन नज़र आ रही है। नहीं, अभी मार्केट थोड़ा चल रहा है, फ्रूट का है बोलकर चल रहा है। भगवान के लिए पूजा करने के लिए फ्रूट वगैरह होना पड़ता है और सामान होना पड़ता है, वो हिसाब से चल रहा है। अच्छा, आपके दुकान में कारोबार चल रहा है ठीक ठाक? आपका पूजा हो गया दुकान? नहीं, शाम को है। आज शाम में कितने बजे? 6:30 to 7:30। क्या पब्लिक को भी बुलाना चाहेंगे? बुला देंगे ना, पहचान वाले को सबको बुलाते हैं। अच्छा, उसका कोई खास मुहूर्त होता है? मुहूर्त होता है। कितने बजे का मुहूर्त है? 4:30 to 9:30 तक है, फिर रात में 2 बजे भी अलग अलग टाइम का अलग अलग मुहूर्त है। तो पूजा में ज़्यादातर लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? पूजा में वही भगवान के आइटम, फूल है, फ्रूट्स है, मेन फ्रूट्स है और पूजा का सामान, कुमकुम वगैरह। ठीक है, हमारी भी ये बेस्ट विशेष है।
दीपावली की और उम्मीद करते हैं कि आइंदा साल तक आपका भी कारोबार बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मैं A1 TV से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करिए और घर बैठे आप डेन नेटवर्क पर 744 पर भी इसे देख सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह से कई लोग जो दीपावली के सामान खरीदने के लिए आए हैं, मैं A1 TV में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपका नाम? सुंदर राम। कहाँ रहते हैं आप? हम यही जनता होटल के पास। अच्छा, कैसी है दीपावली ये सर? अच्छी है सर। अच्छा, आप ये जो खरीदे हैं मौस का पत्ता, ये कहाँ अंदर लगाते हैं क्या डोर को लगाते हैं? अंदर लगाते, डोर को लगाते, वो फूल को भगवान को चढ़ाते। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? क्या महंगाई है ये साल? नहीं, महंगाई तो है थोड़ा, लेकिन कोरोना की वजह से महंगाई तो हुआ है, लेकिन है अच्छा, सस्ता भी है वैसा। ओके, थैंक यू। आपका नाम? राजेंद्र। राजेंद्र, कैसी है खुशियाँ दीपावली की? बहुत अच्छी है। अच्छी है। आप पब्लिक को कुछ मैसेज देंगे? दीपावली खुशी है, अच्छी है, मिलजुल के मनाने के लिए, मिलाने का अच्छा है। थैंक यू। नाजरीन, इसी तरह से जो पूजा के सामान खरीदने के लिए आए हैं मेरे सामने मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र कुलकर्णी। राघवेंद्र कुलकर्णी, क्या ले जा रहे हैं आप? पूजा के लिए ले जा रहे हैं। पूजा के लिए? पूजा के लिए जा रहे हैं। कब है पूजा आपके पास? कल सुबह में बना रहे थे। कल सुबह? फ्राइडे के। यानी एक दिन पहले खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, क्या भी नहीं होता। कल भी खरीद सकते थे ना? सकते ना, कल सुबह में 5 बजे पूजा है ना, शाम में लिए तो क्या ना, रेडी करके रखने के लिए हो जाता। कल पूजा रहेगी, पूजा कर देगा। अच्छा, उसका जो मुहूर्त है पूजा का आपके पास 5 बजे? 5 बजे। अच्छा, 5 बजे ही क्यों खास तौर पर? वो पंचांग में जो लिख रहता है ना, वो मंथ अच्छा टाइम है बोल के लिख रहता है, बनाते हैं उसको। ठीक है, हमारी A1 TV की तरफ से भी आपको दीपावली की मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप दीपावली क्या हर वो ईद खुशी से मिलजुल कर मनाएंगे, और पटाखों से जो ज़्यादा धमाकेदार होते हैं उन चीज़ों बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रखिए। थैंक यू। ये कैसा दिए? ये 25-30 रुपये दे रहे सर। ये एक 25 और 30 रुपये? हाँ, जोड़ी। ये जोड़ी यानी दो डोर को लगाते हैं या अंदर से लगाने का? ये बाहर पूजा करेंगे, दरवाजे का लगाने का है सर। मगर बहुत महंगा दिख रहा हूँ। नहीं सर, उधर से लोड इच 7,000 ऊपर पड़ेगा, हमारे हम्पी से आएगा। हम्पी से लाए हैं। आपका नाम? महबूब। अच्छा, आपको कब आए आप यहाँ पर? यहाँ आकर 4 रोज हो रहा है सर। कैसे कारोबार कैसे? पूरा उधर 4 रोज, इधर 4 रोज। यहाँ पर कारोबार कैसा है? बिजनेस मामूली है सर। मामूली? हाँ, दशहरा जरा अच्छा हो गया। दशहरा अच्छा हो? हाँ, ये मामूली है जरा। ठीक है। नाजरीन, कई लोगों का कहना है कि दशहरा जो था वो बेहतर हुआ, मगर दीपावली में वो कारोबार नहीं है जो दशहरे में था, ये और लोगों से पूछते हैं। नाजरीन, इसी तरह से ना के कद्दू और मौस के पत्ते, ये भी चीज़ ज़्यादा पूजा के लिए इस्तेमाल हो रही थी। ये नाम है? ಕಾರೋಬಾರ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಮಾಲೆ ತಗೊಂಡ್ ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಖುಷಿಯ ಕೈ ಕಾರೋಬಾರಿ ಲೋಕ, कोई फूल कोई पत्ता, तो कई लोग अपने अपने हिसाब से कारोबार कर रहे हैं। जो ज़्यादातर फूल लोग बेचते हैं, मैं A1 TV में अनवर भाई का इस्तकबाल करता हूँ। जी बोलिए। अनवर भाई, कैसा है कारोबार? नहीं, ये बार तो हमारा कारोबार बहुत ठंडा चल रहा है। दशहरे के दिन अच्छा था, मगर दिखने में तो अच्छा लग रहा है। नहीं, पब्लिक बहुत है, लेकिन फूल नहीं खरीद रही। पत्ते जैसे मौस के झाड़ है वो खरीद रहे हैं, लेकिन फूल कोई भी नहीं खरीद रहा। जा पता कैसा है? कुछ लड़ी का हिसाब है या किलो का हिसाब? नहीं, लड़ी का हिसाब है। किलो का हिसाब नहीं जाता दीपावली में, लड़ी का हिसाब जाता है। 30 रुपये हाथ है, लेकिन 15 को कोई 10 को पूछ रहा है, वो हिसाब से हम क्या है अपना जो कीमत से हम लाए वो कीमत निकल गई तो बस बोल के बेच रहे हम बस। ठीक है, शुक्रिया। उम्मीद है कि आपका कारोबार बढ़े। नाजरीन, इसी तरह से आप यहाँ पर जो अवाम आपको नज़र आ रही है, कई लोग यहाँ पर ख़ास तौर पर पूजा के सामान ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, तो पुलिस का भी बंदोबस्त है। यहाँ के जो सर्कल इंस्पेक्टर है जनाब फसीउद्दीन साहब मेरे सामने मौजूद है। सर, A1 TV में आपका इस्तकबाल है। सर, ये ट्रिप दीपावली का कैसा लग रहा है साहब आपको? अस्सलाम वालेकुम। इस मरतबा देखिए, हर साल की तरह इस मरतबा भी बहुत रश है, और लोग खरीदों के ये फूल और फ्रूट्स खरीदने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं, इसलिए ये ट्रैफिक जाम नहीं होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट
पॉइंट ऑफ पुलिस पिकेट। महकमे पुलिस वालों का कहना है कि लोग भी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। सही है सही है, पब्लिक का कोऑपरेट रहे तो हम काम कर सकते हैं। पब्लिक का कोऑपरेट भी इस मरतबा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पिकेटिंग डाल के उसको ट्रैफिक जाम नहीं हो जैसा हम ड्यूटी कर रहे हैं। फिर भी आप पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, पब्लिक का कोऑपरेशन इसी तरह, पुलिस काम करने के लिए इसी तरह पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए। पब्लिक का कोऑपरेशन रहे तो हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे। हम दीपावली का शुभाशय इस टीवी की तरफ मुबारकबाद देना चाहता हूँ पब्लिक। थैंक यू सर। नाजरीन, जो ख़ास तौर पर आपने देखा फ्रूट, पत्ते, फूल, उसके साथ साथ जो दीपावली की मेन चीज़ें होती हैं जिसे दीप कहा जाता है, अक्सर लोग इसमें दीप जलाते हैं। आइए, ये जो दीप बेचने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे और जो ख़रीदने आए हैं उनसे भी बात करेंगे। सब A1 TV में आपका इस्तकबाल है। का नाम साहब? श्रीनिवास। श्रीनिवास, हाँ। ये ख़ास तौर पर दीपावली को ही खरीदते हैं आप? हाँ, वो खरीद गया। अच्छा, ये इतने लगाना ऐसा कुछ रहता है क्या? कितने भी लगा सकते? कितने भी लगा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये ट्रिप पे चीज़ें महंगी हैं या सस्ती हैं? सस्ती है जरा। हाँ, आपका नाम है? कंचप्पा। कंचप्पा, हंगी दे व्यापार हंगे नरता हंगे स्लो आता। इसी तरह से कई लोग जो दीपावली की खरीदी के लिए आए हैं मेरे बीच मौजूद हैं। सब A1 TV में आपका वेलकम है। क्या दीपावली का सामान वो खरीदने को आए सो है? खासकर दीपावली में आप क्या खरीदते हैं? कपड़े खरीदते, मिठाई खरीदते, फूल पत्ते, आम का पत्ता, वो सब। अच्छा, खरीदते। दीपावली आपको कैसी नज़र आ रही है ट्रिप? ये ठीक है, पुराने पब्लिक तो फुल है, खरीदारी भी अच्छी हो रही है। अम्मा, इसी तरह से हमारे बीच कई एक खातून भी कई एक चीज़ खरीद रहे हैं। अम्मा ने मैसर विजयलक्ष्मी। दीपावली कैसी दिख रही है आपको? अच्छी दिख रही, बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छी दिख रही है। आप क्या क्या खरीदे हैं? हमें फल, नारियल, फूला, देवल का सामान क्या क्या है वो खरीदी कर लिए। बहरहाल, आप इस साल खुश तो हैं? खुश है, लक्ष्मी बहुत खुश रखे है माता जी। थैंक यू। इसी तरह से कई लोग पूजा के लिए जो सामान खरीदने जा रहे हैं। आपका नाम? वीरेश। अच्छा, ये क्या है? नीलक है। कहाँ लगाते हैं इसे? होटल पे। कितने में है ये? 120। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगा है क्या? सही है, सही है, सही है। ओके, थैंक यू। कई एक लोग दीप भी खरीदने के लिए आए हैं मेरे बीच में मौजूद हैं। दीपावली आपको कैसी दिख रही है? है साफ। अच्छा, ये दीप आप लगाने के लिए ले जा रहे हैं? लगाना। ज़्यादातर दीप भी कई को लगाते हैं लोग? तो लक्ष्मी पूजा का यही करते ना, दिवाली का दीपा का मेन है। इतने लगाना ऐसा कुछ होता है या कितने भी लगा सकते? वो ये नहीं, दीपावली का तो दिया का मान महत्व बहुत है करने का। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, कोई दो चार ऐसा लगाना होता है या जितना चाहे उतना भी चाहे लगा सकते हम? कितना भी चाहे लगा सकते। अच्छा, पब्लिक को कुछ दीपावली की खुशियों के बारे में मुबारकबाद देना चाहेंगे? हैप्पी दीपावली। थैंक यू। मैं कैसा दिए? ಇದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು। 30 ರೂಪಾಯಿ? ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ? ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಮಗರ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ತೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊ ಫುಲ್ ಹೈನಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫುಲ್ ಹೈ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅದ। ಅಚ್ಚಾ, ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಲಗ್ತಾ ಈ ಮಹಂಗಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಬರಬರ್ ಹೈ? ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಜಾಸ್ತಿ ಕೋನ್ಸಾ ಓ ದೀಪ್ ಲೇತೆ ಈ ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಐಸಾ ವಾಲಾ ಲೇತೆ? ಓ ಛೋಟಾ ದೇತೆ, ಛೋಟಾ ಲೇ। ಹಾ, ಓಕೆ। ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್? ಉರ್ಕೊಂಡಪ್ಪ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಇಸಿ ತರಹ ಸೇ A1 TV ಮೇ ಕೈ ಏಕ್ ಫೂಲ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲೆ ಜಿನ್ನೇ ಜಾದಾತರ್ ಲೋಗ್ फुलारे कहते हैं मेरे सामने मौजूद है जनाब नूर भाई का A1 TV में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दीपावली के कारोबार कैसे हैं नूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है कम है, सरस है उनसे छोटे रेट माल के रेट जबा के। आपको क्या लगता, फूल के रेट ज़्यादा हो गए या बराबर है? जी, ज़्यादा है रेट फूल के। क्या महंगा होने से ज़्यादा लोग नहीं खरीद रहे या? नहीं, महंगा होती भी खरीद रहे और सस्ते भी खरीद रहे, ईद करते ही अच्छी है। दीपावली करते अच्छी ही थे, हर लोग करते अच्छी करते है, सस्ता में कोई सवाल नहीं। थैंक यू। कई एक लोग फ्रूट भी खरीदने के लिए आए हैं A1 TV में। आपका वेलकम है। नमस्ते। A1 TV में आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है दीपावली ये साल कैसा है? दीपावली ये साल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा ये पैंडमिक कम होने के वजह से काफ़ी सारे लोग बाहर आ गए, एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल, अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर भी आप पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यस,
तो थोड़ा भीड़ को कम करना चाहिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। एक्चुअली मैंने भी गलती किया है, मास्क अंदर है फिर भी नहीं पहना है। तो कोरोना के कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं है ना? नहीं है, सिम्टम्स नहीं है। अगर एक में भी, इतने भीड़ में अगर एक को भी अगर कोरोना है तो स्प्रेड हो सकता है। तो बेटर हम अपना ये रखें, और जो दुकानदार, ख्याल रखना चाहिए, और जो दुकानदार है थोड़ा एक एक सैनिटाइजर अपने पास रखने से अच्छा है, ये मेरा सजेशन है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके हिसाब से दीपावली को लोग ज़्यादा क्या खरीदते हैं? बहुत ज़्यादा चीज़ें, पहले तो कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, पूजा के लिए फल। तो यानी आपकी भी शॉपिंग हो गई? दीपावली मेरा हो गया, ऑलरेडी हो गया। अच्छा, दीपावली के लिए आप खास लोगों को क्या मैसेज देंगे? किनको? पब्लिक को। पब्लिक को हैप्पी दीपावली एंड प्ले सेफ दीपावली, क्योंकि आई थिंक 2 साल के बाद अभी जो ये पटाखे जलाने का ये है ना, आई थिंक 2 साल के बाद ये साल लोग एंजॉय करने का कोशिश कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए, पटाखे धमाकेदार धमाकेदार, लेकिन थोड़ा सेफ, यू शुड प्ले सेफ। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो बड़ों को आसपास होना चाहिए, प्ले सेफ दिवाली। ओके, थैंक यू। मैं A1 TV से आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल A1 TV रायचूर को आप सब्सक्राइब कीजिए, और घर में आप डेन नेटवर्क पर 744 पर भी आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू, और हमारे तरफ से भी आपको दीपावली की मुबारकबाद। थैंक यू सो मच।